अच्छा भाई, बीवी बीवी का भाई कौन है? बीवी का भाई रिश्ते में कौन लगेगा? अरे बोला नहीं हो? साला। कोई अगर साला साथ में हो, कोई पूछे कि हो क्या चल रहा, बोले हमार बीवी भाई जी। तो साला बोलोगे मेरा साला है नहीं, बीवी का भाई। देखिए आदमी साला के साला कमी रहे तब ना आदमी खाई जी खाना खाई जी। अहले कुत्ता भगल के कुत्ता के नहीं भागली, ये अंत लाडी है साला कमरे तोड़ी दी कुत्ता साला। एक बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया कोमा में चली गई। कोमा में आदमी मरता नहीं, कोमा में आदमी बोलिए बोलिए कोमा में आदमी, कोमा में आदमी नहीं मरता है, उसका नब्ज जो है ना वो चलता रहता है, लेकिन आदमी होश में नहीं रहता है। बुढ़वा समझ लगी बुढ़िया गेले, बुढ़वा समझ गया कि बुढ़िया खत्म हो गई, पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि हमर बुढ़िया चलो गई। लोग जमा हुए, बांस बत्ती किया, कब्रिस्तान बनाया, कोई कफन लाने गया कफन लाया, गुसल दिया कफन पहना दिया, जनाजे की नमाज पढ़ के जैसे ही क्या कहते हैं कि देखता है कि शाम रात हो गई। अब जनाजा निकलते निकलते रात हो गई, तो लेके जनाजा लेके जा रहे थे, रास्ता छोटा था। अब वो आगे में जो लोग थे उसको दिखाई नहीं दिया, बिजली के खंभा से वो जनाजा टकरा गया। और जैसे ही जनाजा टकराया बुढ़िया उठी बैठी गई, बोले वाह। बताइए आदमी खड़ा रहेगा वहां? वाह, 80 की स्पीड से आदमी भागा। ये बुढ़िया जिंदा भेले कि रह मरलो? आदमी जिंदा भा जाए, बुढ़वा किसी तरह बुढ़िया को घर ले आगे कि किरंग ते मरी गेल हालत, फिर जिंदा फिक्रम भला। बोला वो ठोकर जे लागल नहीं, एक बेग नींद खुली गेलो हमर। कुछ महीनों के बाद बुढ़िया हकीकत में मर गई, इंतकाल कर गई बुढ़िया कुछ महीनों के बाद। फिर लोग जमा हुए, बांस बस्ती किया, कब्रिस्तान गया और जनाजे की नमाज पढ़ा, और कब्रिस्तान ले जाने लगे। ओ हो, सारे लोग कलमा पढ़ रहे हैं, आई बुढ़वा जनाजा का घूम बोली भैया खम्मा बचा कर, खम्मा बचा कर, खम्मा बचा कर, फिर बुढ़िया उठी थी खम्मा बचा के। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाना काबा। हजरत आदम अली सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। ओहो हजरत आदम अली सलाम। अच्छा देखिए, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया था, वो पत्थर अभी मौजूद है। जन्नत से जो हजरत आदम अली सलाम जो पत्थर लाए थे हजरत जिब्रील अली सलाम, वो पत्थर अभी मौजूद है। इंशाल्लाह देखेंगे भाई, देखेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग देखेंगे हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं बताऊं। 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। हाँ तो पत्थर यहाँ थोड़ी जी मक्काम जी गया, वो पत्थर यहाँ नहीं है, उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर खाने काबा में नसब है, वो खाने काबा में रखा हुआ है, मिला हुआ है। और कुर्बान जाओ जो लोग हज करने जाते हैं और खाने काबा का 7 चक्कर लगाते हैं, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल की नमाज पढ़ते हैं और वो हजरे अस्वद पत्थर को चूमते, उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बौसा दिया तो उस पत्थर को चूमा था, तो आपने इरशाद फरमाया था ए पत्थर तुम्हें मैं इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नत से आया। सुभान अल्लाह, बोले तो माशा। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने लगे तो आपने फरमाया कि ए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशा। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूँ। इसलिए मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको साहिब निसाब बनाया है, अगर हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज कर लो। देखिए हज जो है जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रमजान का रोजा फर्ज है, उसी तरीके से जिसके ऊपर में अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, उसके ऊपर में जिंदगी में लाइफ में पूरी जिंदगी में 1 मरतबा खाने काबा का तवाफ करना, रोजे अनवर की जियारत करना, हज करना फर्ज है। अच्छा मेरे पास दौलत थी, मेरे पास माल था,
हम करोड़पति थे, हज नहीं किए। क्यों नहीं किए? सिर्फ इस वजह से हज नहीं किए कि 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, हम हज नहीं करेंगे। बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हम हज नहीं किए और मर गए। तो क्या मुसलमान होकर मरे भाई? मुसलमान होकर मरे? बोलिए बोलिए ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो मुसलमान की मौत नहीं मरा, वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो या तो नसरानी होकर मरा है या यहूदी होकर मरा है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर माल दिया है, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, तो पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करना। लेकिन जिसके ऊपर में हज फर्ज नहीं है, इरादा रखो। इरादा करने में क्या है भाई? भाई इरादा तो कर सकते, मान के हम गरीब हैं, इरादा तो कर सकते हैं। इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। सुभान अल्लाह। बोले जा कौन कौन जाएंगे इंशाल्लाह मदीना? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। एक आशिक़े रसूल है, गुलामे मुस्तफ़ा है, हज करने जा रहा है, बीच में मौत आके खड़ी हो गई, अब आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा टाइम हो चुका है, अब तुम्हारे जिस्म से रूह को निकाल लेंगे। तो ये दीवाना कहता है, ये आशिक़े रसूल मौत से कहता है, ऐ मौत ज़रा रुकना आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। सुभान अल्लाह। बोले था माशाल्लाह। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा हज़रत आदम अलैहि सलाम ने बुनियाद रखी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाबा पर कुर्बान, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं, हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे भी पता नहीं है दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। कहा कि जा मेरे अल्लाह से पूछ। किया अल्लाह से पूछ किया। हजरत जिब्राइल अमीर अली सलात वल तस्लीम तशरीफ ले गए, अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, तेरे महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो मेरा अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह। बोले सबसे, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह, सबसे अच्छी जगह बताया गया। उलमा फरमाते हैं, जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वह अल्लाह का मेहमान हो जाता है। आहा, जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और जिसकी मौत सजदे की हालत में हो जाए, जिसकी मौत मस्जिद के अंदर में हो जाए, वो तो वैसी जन्नती है, वो जन्नती है। इसलिए मेरे बच्चों, मस्जिदों से मोहब्बत रखो, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर दे। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को कायम करो। और कुर्बान जाइए, तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। बड़ा तूफान आया था, ऐसा तूफान, अल्लाहु अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, कुछ लोग पहाड़ पर चल गए, पहाड़ ऊंची ऊंचे पहाड़ था, बोले पहाड़ पर चढ़ गया कि यहाँ तो पानी आ नहीं सकता है। अल्लाह का ऐसा अजाब था कि पहाड़ के ऊपर से पानी गुजर रहा था। वो तूफान नू जो आया ना, बड़ा तूफान था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल तबलीग किए। कैसों साल भाई? बोलिए 950 साल। 950 साल के अंदर में कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? बोलिए भाई, कितने लोग मुसलमान हुए?
80 से 82 लोग मुसलमान हुए। अब सोचिए कितने सख्त लोग था वो लोग कितने सख्त थे वो लोग। आहा, कोई दीन की बात सुनने को तैयार नहीं, अल्लाह के पैगाम को सुनने को तैयार नहीं, नबी की बात को सुनने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहि सलाम के गले में ना गमछा लगाकर लोग घिसटता था, और जब आप चलते थे ना तो ओबाश बच्चों को पीछे लगा देता था, पत्थर मारता था। हजरत नूह अलैहि सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, अब पैरों में ताकत नहीं, कहा कि या अल्लाह अब नूह से चला नहीं जाता, या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, अल्लाह तू इसके ऊपर मज़ाब नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा मेरे नूह गम ना करो, ये किश्ती बनाओ, ये किश्ती बनाओ, उस किश्ती में अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना, हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, नीचे से भी पानी ऊपर से भी पानी बरसाएंगे। नूह अलैहि सलाम कश्ती बनाए, उलमा फरमाते कई महीने लगे कश्ती बनाने में। अच्छा कश्ती जाने ना अपना रहा लहा डेरा घाट तक खत्म भाग लिया अपना, पहले डेरा घाट में भी लाव चलता था, हम लोग छोटे थे अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी खरी भी पार हो जाते थे लोग पैदल पार हो जाते थे, और कुर्बान जाओ ओ बहुत बड़ी कश्ती बनाए नूह अलैहि सलाम। तो लोग पूछने लगे, वो कौम पूछने लगी नूह ये क्या बना रहे हो, कहा कि किश्ती बना रहे। बोला यहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा, कश्ती कहाँ चलाओगे। तो नूह अलैहि सलाम ने कहा कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, पानी ऊपर से भी पानी होगा नीचे से भी पानी होने, ओ लोगों ने मजाक उड़ाया, कौन अल्लाह नऊज़ बिल्ला कैसा अजाब आएगा। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, वो लोग ना मोहल्ले वाले उस कश्ती में पखाना करने लगा। बोला कश्ती बने ले, तो कश्ती पुराना करी दू, सब पखाना करने लगा कश्ती। एक हफ्ता के अंदर कश्ती को भर दिया। अब खाओगे इतना तो निकलेगा भी तो इतना ना, कम खाए तब ना आदमी। अभी तो जमाना क्या है। हाँ, अच्छा भाई बीवी बीवी का भाई कौन है, बीवी का भाई रिश्ते में कौन लगेगा। अरे बोला नहीं हो साला, कोई अगर साला साथ में हो कोई पूछे कि हो कैसे नहीं रहा, बोले हमारे बीवी का भाई जी। तो साला बोलोगे मेरा साला है नहीं बीवी का भाई। देखिए आदमी साला के साला कमी रहे तब ना आदमी खाई जी खाना खाई जी। अले कुत्ता भगल के कुत्ता के नहीं भाग ली, वे अंत लाडी है साला कमरे तोड़ी दी कुत्ता साला। बोले बात सही जी गलत जी। बोले बोला एक बूढ़े मियाँ थे, और कुर्बान जाइए बूढ़े मियाँ बैठ के नाश्ता किए। अब बैठ के नाश्ता किए और उसके बाद क्या कहते हैं कि जब वहाँ से निकले उनकी एक चप्पल थी एक चप्पल नहीं थी। बोले रे साला के हमरो चप्पल लाग लो रे। हाँ इसलिए मेरे भाइयों तो वो लोग किश्ती में पखाना किए, पूरा किश्ती भर दिया। नूह अलैहि सलाम रोने लगे, कहा कि या अल्लाह ये कौम है, मैंने किश्ती बनाया कई महीने लग गए, या अल्लाह ये लोग पखाना करके इस कश्ती को भर दिया है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह आंसू को पोछो, मैं सब देख रहा हूँ, ए नूह गम ना करो, इन लोगों ने कश्ती को पखाना से भरा है, अगर मैं इन्हीं के हाथों इन पखाने को साफ ना करा दूँ तो खुदा मेरा नाम नहीं है। सुभान अल्लाह, बोले दमाश मेरे रब की ताकत देखो, मेरे रब की पावर देखो, मेरे अल्लाह की कुव्वत को देखो। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी जिस बीमारी का नाम था खुजली। कि कौन बीमारी, बीटेक से लगाओ खुजली मिटाओ। अब बहराहार थोड़े जी खुजली भी ला जा दवा ला चला अलहन, उस जमाने में दवाइयाँ नहीं थी, खुजली की दवाई थी नहीं, बहुत सारी मर्ज का बीमारी है। अब ये अल्लाह की तरफ से ये बीमारी थी, सारे लोग खुजली में मुब्तिला, बड़ा छोटा बूढ़ा औरत मर्द बच्चा जिसको देखो खुजला रहा, जिसको देखो खुजला रहा, ना खाने चैन ना बैठने चैन ना सोने चैन ना चलने चैन, ना काम कर पा रहा आदमी, ना सो पा रहा ना खा पा रहा, जिसको देखो खाली खुजला रहा। एक बूढ़ा मियाँ उठा लोटा लिया सुबह, बोला कहाँ जाएंगे, वो स्पीड पकड़ा जाके वही कश्ती में तो जगह थी नहीं, ऊपर में किनारा में बैठ गया, बोला यही कर देते हैं। वो पखाना कर रहा था और खुजली का स्पीड जो बढ़ा ना वो खुजले लगे नहीं, उल्टी पुल्टी बनी। अच्छा उसमें गिरना था जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म,
बोलिए भैया बड़ा अच्छा दवाई हो। बोले अच्छा, तो थोड़ा सा पखाना लिया। बोले यहाँ खुजला लगल के। बोले खुजली खत्म? बोला बाप एक नंबर दवाई। बस हाथ लगाया और हाथ में माला पूरे बदन में लगाया फ्रेश। अजय देखिए अल्लाह की हिकमत देखिए, पखाना लगाते ही खुजली खत्म, पखाना लगाते ही खुजली खत्म हो जाती। ये आदमी बूढ़ा मियां बाहर किश्ती से बाहर निकला और मोहल्ले वाले को बुलाया कि भाई अब्दुल रशीद आ जाओ, अब्दुल मन्नान आ जाओ, अब्दुल जब्बार आ जाओ, मोहम्मद कलीम आ जाओ। लोगों ने कहा क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे? बोला आ जाओ खुजली की दवाई मिल गई। बोली कहाँ मिल ली हो? बोला हाँ जल्दी आओ। बोला भैया जल्दी बोलो कहाँ मिल ली? बोला उठावा पखाना लगावे एक नंबर दवाई। देखिए हम नहीं करें, कुरान सूरह नूह पढ़ेंगे ना, कुरान शरीफ जब पढ़ेंगे आप, सूरह नूह में अल्लाह ने किस्सा बयान किया है। अब सारे लोग पखाना उठाने लगे, लगाने लगे। अल्लाह का जो लगाता था पखाना, जहां लगता था खुजली खत्म हो जाती थी। अब कुछ नौजवान घर से बर्तन लेकर के लगन लागे तो रोजी लगे थोड़ा सा हमारे दादा बाबा ने चले से कही खटिया हम पर लो जुगड़ा वह लगा दें। उस कौम का क्या हुआ? इस वाकये को किस्से को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, लास्ट में इंशाल्लाह मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। तो तूफान नूह में, वो तूफान नूह जो आया था, खाने काबा की दीवारें गिर गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो, कुर्बान जाओ, बाप भी पैगम्बर बेटा भी पैगम्बर। बाप मिस्त्री बना बेटा मजदूर बना, बेटा मसाला बना बना कर ला कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा के दीवारों को जोड़े, दीवारों को जोड़े, अब यहाँ तक दीवारें जुड़ गई, हाथ नहीं पहुँच रहा, अब कोई कोई कुर्सी है नहीं, टेबल है नहीं, सीढ़ी नहीं है, अब वहाँ की दीवारें मुकम्मल कैसे होगी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा कर लाओ। एक पत्थर उठा कर लाया गया, उसी पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खड़े हुए, ये पैगम्बर का मोजज़ा है कि अल्लाह ताला ने उस पत्थर को आपके कदमों के नीचे में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह, बोला आपके कदम का निशान पड़ गया उस पत्थर के अंदर, वो पत्थर अब भी मौजूद है, इंशाल्लाह देखेंगे। बोलिए इंशाल्लाह देखेंगे। हाँ, उस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहते हैं। वहाँ के 2012 में जब मैं हज करने गया था तो वहाँ की मैं देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट सरकार जो उस पत्थर को शीशे से घेर दिया, वो घेरा हुआ है, उस पत्थर को घेर दिया गया है। वो हाजी लोग जो हज करने जाते हैं खाने काबा का तवाफ करके 2 रकात नफल की नमाज मकाम इब्राहिम के पास में पढ़ते हैं, एक तवाफ उनका मुकम्मल हो जाता है। मौजा सामिन किराम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने काबा की तामीर का आपने भी तामीर फरमाई, हिजरत का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए। तो मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन है, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई बात है क्या, देख रहे आपका चेहरा गमगीन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबियों मदीना आए हुए बहुत कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, जिस मस्जिद के अंदर में हम लोग सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, नमाजें पढ़ते। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें हम लोग मस्जिद बनाएंगे। देखिए अभी हिजरत फरमाकर सहाबा इकराम मक्का से मदीना पहुंचे थे, पास में दौलत नहीं थी, दौलत तो मक्का में छोड़कर गए थे, अपना घर मक्का में छोड़कर गए थे, सोना चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, अपनी खेती बाड़ी मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ सिर्फ जान लेकर मदीना गए थे, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए ले गए थे, इस्लाम के लिए गए थे, दीन के लिए गए थे, दीन को फैलाना है। अपनी दौलत छूटती है तो छोड़ दो, जमीन गई जमीन छूटती है तो छोड़ दो, हवेली छूटती है तो छोड़ दो, दीन के कलमे को लेकर तमाम सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ ले गए। जानते हैं एक जमीन खाली थी, वो जमीन किसकी? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया पता करो ये जमीन किसकी है, तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है जिसका बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, उन दोनों बच्चों को भी बुलाओ। वो दोनों बच्चे भी आए, चचा भी आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि इस जमीन को तुम बेचोगे हम खरीदेंगे, इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। ऐ काश मदीने में, ऐ काश मदीने में
एक अपना भी घर होता, एक अपना भी घर होता सरकार के कदमों में, हर लम्हा बसर होता, हर लम्हा बसर होता। जमीन वाला कहा कि या रसूल अल्लाह, जब आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर पैसे लेके मैं क्या करूंगा, सोना चांदी पैसा टाका ये सब तो यही रह जाएंगे, अब इसमें घर बना लीजिए मस्जिद बना लीजिए, इसका बदला हम अपने अल्लाह से ले लेंगे। सुभान अल्लाह, बोले माशाल्लाह, देखिए क्या ईमान है। कहा या रसूल अल्लाह आप मस्जिद बनाइए, जमीन में दे रहा हूं, आप मस्जिद बनाइए, इसका बदला तो हम अपने अल्लाह से लेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी, हम ऐसी मस्जिद नहीं बनाएंगे। राजी हो गया तो मजमे में से एक सहाबी खड़ा हुआ, कहा कि या रसूल अल्लाह जो कीमत तय हुई है मस्जिद नबवी की, जो दाम रखा गया है उसकी कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। क्या जज्बा था, क्या ईमान था, क्या दीन से मोहब्बत थी। तो मेरे भाइयों, अब वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा किया। मैं उस खुशनसीब सहाबी रसूल का नाम आपको लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, सारे लोग तैयार है, जन्नत में महल बनाना है, ये हमारी बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलिशान महल बनाएगा। ये मस्जिद बिलाल आपके सामने है, आप लोग देख लीजिए, पलट कर थोड़ा सा देख लीजिए, जो लोग नहीं देखे वो देख लीजिए, और जो देखे हुए हैं, जो नमाज पढ़े हुए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद मस्जिद मकरूज है, ये मस्जिद मकरूज है, कर्जे में है ये मस्जिद। अच्छा, खर्च भी काफी किया गया इस मस्जिद के अंदर में, यहां तालाब था, ना जाने लाखों रुपए की मिट्टी भरे गए। एक साहब खैर मालूम हुआ मुझे कि 2.5 लाख रुपए उन्होंने अकेले अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख रुपए अकेले इस मस्जिद में उन्होंने दिया। कुर्बान जाइए, बहुत बड़ी बात है, मस्जिद बना दिया आपने अल्लाह का घर। वो बता दे मौलाना मंजूर नोमानी साहब, 0 माइल मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया जो है ना, वो फरमा रहे थे कि अररिया जिला के अंदर में एक बस्ती है, कौन सी बस्ती, जहन में मेरी बात नहीं आ रही थी, कि एक आदमी था बेचारा मजदूर बनिहार आदमी था, 3-4 बीघा जमीन उसको थी, 4 बेटे का बाप था, उसके मोहल्ले में घर के बगल में एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद, ऊपर में छप्पर टीन है और दीवारें इसकी फूस की दीवार। अपने चारों बेटे को बैठाया, बोला बेटा एक मशवरा है, बेटे बैठ गए कि अब्बा हुजूर क्या मशवरा है, बोलिए तो सही। बोला कि बेटा देखो, जब से हम पैदा हुए इस मस्जिद को इसी हालत में देखें, कोई बनाने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाता है। ए बेटा, मेरे पास 4 बीघा जमीन है, तुम लोग 4 भाई हो, तुम लोग इजाजत दो तो हम 1 बीघा जमीन बेचकर ये अल्लाह का घर बना दे। तो बेटों ने कहा कि बाबा, जमीनों का मालिक तेज है, हमरा से नहीं जीतते जा जमीनों का मालिक, 1 बीघा की 4 बीघा ते बेची ला, हमरा से की तकलीफ नहीं है। तो बाप बोला कि बेटा ठीक है, इजाजत तुम लोगों ने दे दिया, 1 बीघा जमीन बाप बेचा और जितना पैसा मिला अल्लाह का घर बना दिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब कह रहे थे कि 6 महीना हुआ मस्जिद बना हुए, 6 महीना ही हुआ था, उसका 4 बेटा में से 2 बेटा कुवैत गया, कुवैत सऊदी अरब गया, 2 बेटा सऊदी अरब कुवैत गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम, देखिए हमारे आलिम बामल हजरत अल्लामा मुफ्ती सादुन नजीब साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं, माशाल्लाह इनके चेहरे को देखते रहिए और अपने नामा अमाल में नेकियों का जखीरा जमा करते रहिए। तो मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं, ए बेटा, अजय वादा करो जब तक बयान होगा कोई जाएगा क्या, नहीं ना जाएगा, एक जगह तकरीर करे थे एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला हाई उल बैठो, बैठ गया, दोबारा खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, कहे परेशान हो, बैठो ना,
बोले बहुत जोरों से लाग लो जो बैठो, नौजवान हो बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है। तो हमने बच्चा के जाना जी है बेटा जो, बोले नहीं जो, बोले करें जो, बोले की करे जो, जे करे जे जाना यही भाग लीजिए, जाने की जरूरत नहीं। मौना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं कि 6 महीने वो उसका दो बेटा सऊदी अरब चला गया, दो बेटा सऊदी अरब चला गया, 1 साल गुजरा, 3 बेटा सऊदी अरब चला गया उसका, अल्हम्दुलिल्लाह 3रा बेटा भी चला गया। देखते देखते 4 साल गुजरा, उसका 2 भीटा में अल्लाह ने पुख्ता का मकान बनाया। 4 साल 5 साल के अंदर में 4 भीटा में पुख्ता का मकान, अल्लाह अकबर कबीरा। मौना मंजूर नोमानी साहब कह रहे थे उस बस्ती के अंदर में आज की तारीख में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं, ना जाने कितनी मस्जिदें वो बना चुका, उसका काम है मस्जिद बनाना। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलह अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। इंशाल्लाह मस्जिद बनाएंगे भाई, बनाओगे भाई इंशाल्लाह, बनाओगे जन्नत में महल बनाओगे इंशाल्लाह। ये जमीन तो यही रह जाएगी, ये मक्के का बोरा यही रह जाएगा, ये खेत यही रह जाएगी, ये कोठी ये बिल्डिंग सब यही रह जाएंगे। वो तो वहां तो अकेले सफर करना है, ना बेटा जाएगा ना बेटी जाएगी ना बाप जाएगा ना रिश्तेदार जाएगा ना बीवी जाएगी, कोई नहीं, अकेले जाना है। अरे वहां महल बना लो, वहां घर बना लो, ताकि यहां से मरने के बाद अफसोस ना हो कि हम यहां के लिए कुछ नहीं किया। वहां महल में चले जाओगे इंशाल्लाह। मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए, बड़ी तेजी के साथ। मैंने कहा था कि वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सादुल नजीब साहब आ गए हैं, 2 बजे इनकी ट्रेन है पूर्णिया से अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मेरे बयान के बाद उनकी तकरीर होनी है, इसलिए मेरी मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। मेरे भाई बहुत तेजी के साथ मुझे 10 आदमी चाहिए, अपने माँ बाप के सालो सबाब की नीयत से, अपने माँ बाप के नाम पर। है कोई पहला कवेला नौजवान जो 10,000 रुपये मस्जिद बिलाल के अंदर में ताउन करने वाला हो, चंदा देने वाला हो, पहला कोई नौजवान, इंशाल्लाह उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा, उसके लिए मैं 10 दुआ। वाह भाई वाह, ये देखिए पहला नौजवान आ जाइए बाबू यहाँ। ये